अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस वक्त मैं इस चुरंगी पर मौजूद हूँ। सखी हसन की चुरंगी कहलाती है ये, सखी हसन की चुरंगी कहलाती है। अगर हम यहाँ से जाएँ तो ये नाजाबाद की तरफ जा रहा है और आगे सदर की तरफ भी रोड जा रहा है, और अगर हम इस रोड से जाएँ तो इस रोड पे जो है ना सरजानी टाउन की तरफ रोड जा रहा है। ऊपर BRT का जो है ना स्टेशन का जो रूट है वो ऊपर से चल रहा है, बराबर से जो है ना ब्रिज चल रहे हैं दूसरी आम ट्रैफिक के लिए। लेकिन आपको तीन ब्रिज नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2 और 3। ये तीन, ये जो ब्रिज है ना ये है BRT का, और ये ब्रिज जो है ना वो आम ट्रैफिक के लिए। तो यहाँ पर ये जो चुरंगी है राउंड अबाउट है इसका, सखी हसन का, यहाँ पर इस राउंड अबाउट को काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो है ना पौधे क्यों नहीं लगाए जा रहे, क्योंकि जगह जगह पे पौधे होने चाहिए, जगह जगह पे दरख्त होने चाहिए, प्लांटेशन होनी चाहिए और ग्रास होनी चाहिए, ताकि आम जो लोग चलने फिरने वाले हैं, पैदल चलने वाले हैं, उनको एक अच्छा सा लुक नज़र आए, एक खूबसूरत सा व्यू नज़र आए और कराची भी खूबसूरत नज़र आए। क्योंकि कराची खूबसूरत नज़र आएगा तो दुनिया में अच्छा पैगाम जाएगा कि हर जगह पे जो है ना ग्रीनरी है, तो हर जगह पे ग्रीनरी होनी चाहिए। तो इस ग्रीनरी के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ दरख्त लगाए गए हैं छोटे छोटे से, अभी तकरीबन कोई 4 फुट 3 फुट 4 फुट तक के लगाए गए हैं पौधे। तो इन पौधों को हम देखते हैं और आपको बताते हैं कि ये पौधे किस किस्म के हैं और कैसे लगाए गए हैं, कब लगाए गए हैं, ये हम पता करेंगे। हो सकता है हमें कोई बताए ना, क्योंकि कोई नज़र आ नहीं रहा हमको, तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं कि यहाँ से जो है ना आगे चल के आपको दिखाते हैं चुरंगी के पूरा राउंड अबाउट, पूरा राउंड अबाउट दिखाएंगे, पूरे राउंड अबाउट पे जो है ना पौधे लगाए गए हैं और पौधे कितने लगाए गए हैं, इनकी क्या हिफाजत की जा रही है, पानी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, हिफाजत कैसे की जा रही है, सारी हम आपको जो है ना रिपोर्ट देंगे। और पौधों को भी आपको दिखाते हैं कि पौधे किस किस्म के लगाए हैं। ये है सखी हसन की चुरंगी और देखते हैं कि सखी हसन की चुरंगी के बाद हम कहाँ पर जो है ना अपना व्लॉग लेके जाते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर प्लांटेशन की सूरत हाल, I'm sorry.